हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही पौष्टिक फल आंवला के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए हमारे पेट के लिए तो बहुत ही गुणकारी होता है। साथ ही साथ आयुर्वेद में इसके और भी जबरदस्त फायदे बताए गए हैं। पर दोस्तों, आंवला खाने से हमारे शरीर को पूरी तरह से लाभ तभी मिलता है जब हम इसका सेवन सही तरीके से और सही समय पर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आंवला खाने का सबसे सही समय क्या है, यानी आंवला हमें किस वक्त खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। आंवला खाने का सही तरीका क्या है, यानी किस तरह हमें इसका सेवन करना चाहिए। एक दिन में कितने आंवले हमें खाने चाहिए, इसके साथ साथ हम जानेंगे रोजाना आंवला खाने के क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं और किन लोगों को आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी इसे खाने से परहेज करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी आंवला के बारे में, इसके लिए वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, आंवला एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है। इसे अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। यह एक ऐसा फ्रूट है जिसमें संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। और इसकी खास बात ये है, इसे आप लंबे समय तक लगभग साल भर फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसे ड्राई करके ही स्टोर करें। रोजाना आंवला का सेवन करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और फोलेट से भरपूर आंवला शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर लिवर फंक्शन को बेहतर बनाने का काम करता है। ये फल आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंवला खाने का सही समय क्या है, यानी किस वक्त हम इसका सेवन करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कच्चा आंवला खाते हैं तो इसे खाने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट होता है, पर इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस वजह से यह एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए कुछ लोगों को सुबह खाली पेट खाने से इससे डिस्कम्फर्ट होता है। तब आप इसका सेवन दोपहर के खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद करें, यानी आप इसे दोपहर के 3 या 4 बजे तक लेते हैं तो अच्छा है। दोस्तों, आंवला की तासीर ठंडी होती है, इसलिए आप रात के समय कच्चा आंवला न खाएं तो अच्छा है, क्योंकि कई लोगों को ये सूट नहीं करता है। जी हां, इससे उन्हें सर्दी खांसी बुखार हो सकता है। पर आप आंवले के चूर्ण का सेवन रात के समय ही करें। जी हाँ, आप रात के भोजन के बाद 1 चम्मच चूर्ण खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लें तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ आंवला खाने का सही तरीका क्या है, यानी किस तरह हम इसका रोजाना सेवन कर सकते हैं। वैसे तो इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे आप थोड़ा काला नमक और काली मिर्च के साथ कच्चा खाएं, इससे आंवले की खटास थोड़ी कम हो जाती है। पर एक बात का जरूर ध्यान रखें, इसे खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक चाय, कॉफी या दूध का सेवन न करें तो अच्छा है। पर दोस्तों, अगर आपको कच्चा आंवला खाना पसंद न हो तो आप आंवले का मुरब्बा, जैम या फिर इसकी कैंडी बनाकर भी खा सकते हैं। आंवले का सेवन आप दोपहर के सलाद के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोपहर के भोजन में आंवले की चटनी या फिर बिना तेल का इसका अचार भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप रात के भोजन के बाद च्यवनप्राश या फिर आंवले का चूर्ण खाएं तो इससे आपके पेट की समस्या भी दूर होगी। दोस्तों, पर किसी किसी को कच्चा आंवला सूट नहीं करता, तब आप इसे डायरेक्ट न खाकर इसे जूस के फॉर्म में लें, जिससे आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको केवल आंवले का जूस पीना पसंद न हो तो आप चाहें तो इसमें कैरेट और बीटरूट मिलाकर इसका डेली 1 ग्लास सुबह खाली पेट जूस पिएं, ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया आंवला खाने का सही तरीका और सही समय क्या है। पर अगर आप इसका सेवन सही मात्रा में नहीं करते तो यह फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ दिन भर में आपको कितने आंवले खाने चाहिए। वैसे तो दिन भर में कम से कम 1 आंवला जरूर खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 2 आंवले का सेवन भी कर सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम डोज है। इसके अलावा अगर आप आंवले का चूर्ण खाते हैं तो 1 चम्मच से ज्यादा न खाएं। और दोस्तों, आंवला की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें, नहीं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि रोजाना आंवला खाने के क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। आंवला में विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये त्वचा को सेहतमंद रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है। ये
यह हमारी स्किन से दाग धब्बे दूर करता है, साथ ही साथ स्किन को टाइट कर झुर्रियां यानी रिंकल्स हटाने में मदद करता है, जिससे हमारी त्वचा चमकदार होती है। आंवला हमारी आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। असल में आंवला में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और इससे मोतियाबिंद की समस्या भी दूर होती है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आंवला हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है। जी हाँ, आंवला में उच्च स्तर का फाइबर होता है, जो डाइजेशन को ठीक रखने में बहुत ही मददगार होता है, और अगर आप रोज आंवला का सेवन करते हैं तो इससे कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। आंवला में कैरोटिन, आयरन और विटामिन ई होता है, जो कि बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके साथ साथ यह बालों की ग्रोथ बढ़ाने और डैंड्रफ को दूर करने में भी काफी मददगार होता है। तो अगर आप नियमित रूप से आंवला का सेवन करते हैं तो इससे बालों के झड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, यानी थोड़े से काम में बहुत जल्दी थक जाते हों, शरीर में एनर्जी महसूस नहीं होती, उन्हें डेली आंवला का जरूर सेवन करना चाहिए। जी हाँ, आंवला में मौजूद विटामिन सी न सिर्फ आपके शरीर में एनर्जी देता है, साथ ही साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक है। दोस्तों, रोजाना सुबह को खाली पेट कच्चा आंवला खाएं या फिर इसका जूस पिएं, इससे आपके शरीर की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। इसका कारण यह है, आंवला में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिससे जल्द ही वेट लॉस होता है। इसके अलावा आंवला हमारे दिल को भी स्वस्थ रखने में बेहद मददगार है। जी हाँ, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और दिल की बीमारी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, आंवला में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है। हमारा शरीर खुद से कैल्शियम का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए इसकी पूर्ति कैल्शियम युक्त आहार से की जा सकती है। तो रोजाना आंवला का जरूर सेवन करें, इससे हड्डियां भी मजबूत होंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों को आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किन कंडीशंस में आंवला खाने से नुकसान हो सकता है। अगर आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हो, तो आपको आंवला का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आंवला आपके शरीर में शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हो, तो आपको आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को भी इसका सेवन करने से परहेज करनी चाहिए। अगर आपकी अभी अभी किसी भी तरह की कोई भी सर्जरी हुई हो या फिर होने वाली हो, तो भी आप आंवला का सेवन न करें। इसके अलावा जिन्हें विटामिन सी से एलर्जी हो, उन्हें भी आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में आंवला का सेवन करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है। फ्रेंड्स, अगर आप दिन भर में बहुत ज्यादा मात्रा में आंवला का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी स्किन ग्लो करने के बजाय बहुत ही ड्राई हो जाएगी, और इसके अलावा जॉइंट पेन की समस्या भी बढ़ सकती है। और क्योंकि आंवला में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, तो इसका अधिक सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। और आंवला में विटामिन सी सबसे अच्छी मात्रा में होता है, तो इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आंवला के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।